कितने दिन यहाँ पर मिलते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए, इस पर जरूर सभी की निगाहें, सभी की निगाहें, चाहे वो सियासत से जुड़ा हो, चाहे वो कानूनी तौर पर जुड़ा हो, या फिर देश की आम जनता हो, वो देख रही है इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त बेहद गौर और बेहद बारीकी के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल का वीडियो जारी किया गया, जिस वीडियो का जिक्र हम कर रहे थे वो वीडियो एक बार आपको जरूर दिखाते हैं। दरअसल केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई है उस पर तो नजर है, लेकिन इस वीडियो को आप यहां पर जरूर देखिए। जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है चाहे अंदर रहूं या बाहर रहूं। जावेद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जावेद आपके पास आएंगे, विक्रांत से हम जानकारी ले चुके हैं, आनंद भी हमें जानकारी दे रहे हैं, कानूनी तौर पर भी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की क्या ये सियासत भी इस वीडियो के जरिए सामने आती है कि चाहे मैं अंदर रहूं या फिर बाहर रहूं, देश के लिए मेरा जीवन समर्पित है। देखिए ये पहला रिएक्शन है अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बाद, और सीधा उन्होंने एक मैसेज दिया है अपने उन कार्यकर्ताओं को। आप ये समझिए कि पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता अगर गिरफ्तार हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनका जो मोराल है उसमें डाउन होता है, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। आपको समझना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, यहाँ 62 विधायक हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि अब पार्टी का और सरकार का नेतृत्व किस तरह से रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान रहने वाला है? आने वाले दिनों में किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी, दिल्ली में सरकार चलाए जाने को लेकर इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन जिस तरह से टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति मामले में अब जेल में है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का संदेश ये सीधा कार्यकर्ताओं को है। और देखिए जब आप ईडी की गिरफ्त में चले जाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा बाहर आना, क्योंकि हम ये वजह इसलिए इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो काफ़ी समय से आबकारी नीति मामले में जेल में है, जमानत नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मामले को किस तरह से कोर्ट देखेगा, क्या कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, ये देखना होगा। लेकिन जो संदेश जो मैसेज कन्वे किया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, निश्चित तौर पर ये एक राजनीतिक बयान है, लेकिन ये मुश्किलों भरा इसलिए है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की जो तमाम टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त आबकारी नीति मामले में जेल में है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, अगर इस वक्त हम बात करें अरविंद केजरीवाल के बाद जो चेहरा है वो भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, लेकिन बिल्कुल दहलीज पर चुनाव है लोकसभा के, दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं। बिल्कुल सही जावेद, दहलीज पर है लोकसभा चुनाव, और उससे पहले इतनी बड़ी सियासी और कानूनी तस्वीर का सामने आना यकीनन अपने आप में सबसे बड़ी तस्वीर के तौर पर सामने आ जाता है।